तो यार वो फ़ोन निकालते निकालते वो पैसे गिर गए मेरे। अभी घर जाने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो टेक वाले कंपनीज है, तो अभी हम वेट करते हैं यहाँ पे। यो, मैं थोड़ा सा अपने साथ कैश लेके आया था, तो 200 रुपये रखे थे मैंने पॉकेट में। तो यार वो फ़ोन निकालते निकालते वो पैसे गिर गए मेरे। अभी घर जाने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, देखते हैं। और वैसे मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी मुझे 1.5 किलोमीटर और चल के जाना पड़ेगा। भाई बात नहीं भाई, पार कर लेंगे। यो, फाइनली मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ और आज यहाँ पे एक और शादी होने वाली है, तो यहाँ पे एक और सजावट चल रही है। यहाँ पे जनरली 1.5 घंटा लगता है और आज 2 घंटा लग गए यहाँ पे आने में। देखते हैं, खाना तो खा के जाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी प्रसाद की टोकरी और ये हम जा रहे हैं बांटने के लिए। तो दोस्तों, ये है हमारे पास हलवा, पूरी, गोभी मंचूरियन, वेज पुलाव और ये कटलेट जैसा और शरबत। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया और अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो भाई, यहाँ पे जितना हम 1.5 किलोमीटर चल के आए थे और अभी भी 1.5 किलोमीटर चल के जाएंगे बस स्टैंड तक, भाई जो भी किया ना भाई, सब वसूल हो गया भाई, सब वसूल हो गया। मतलब प्रसाद इतना टेस्टी था, कीर्तन में मज़ा आ गया, डांस करके कूद कूद के भाई साहब, आए हाय क्या बताएं।
तो दोस्तों मुझे अभी एक छोटा सा लिफ्ट मिल गया, डिलीवरी वाले एक भैया थे अपने 400 मीटर हमारा पार करवा दिया। मतलब उन्हें दूसरी गली में जाना था, वरना उन्होंने बोला कि मैं छोड़ के आता हूँ फिर डिलीवरी देता हूँ। हमारे प्रभु ने हमें 100 रुपये दिया कैश अपने घर तक जाने के लिए, क्योंकि मेरे पैसे कहीं गिर गए, पता नहीं चला कहाँ गिर गए, 200 रुपये कहीं गिर गए भाई। कोई बात नहीं, मज़ा आया लेकिन यार। तो यार ये बैंक के ATM में मैं अभी रेनकोट पहन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जम के बारिश हो रही है एकदम, तो मैं जल्दी से रेनकोट पहन लेता हूँ फिर चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। यो तो यार जैसे मैंने यहाँ पे रेनकोट पहना पूरा ऊपर से नीचे तक, तो जैसे मैंने यहाँ पे रेनकोट पहना बारिश बंद हो गई भाई, इतना गंदा चल रहा है ना आज। और तो यार अभी मैं स्टेशन क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब पीछे से आगे की तरफ जाना पड़ेगा, वो बस वाले ने मुझे वहाँ छोड़ दिया था, तो मैं स्टेशन के बीच में से जा रहा हूँ अभी, मतलब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा हूँ सारे। तो दोस्तों आखिरकार रात के 11:10 पे मैं कॉलेज पे पहुँच ही गया। भाई हमारा आज का सफ़र बहुत ख़तरनाक रहा, क्योंकि मेरे 200 रुपये मेरे कहीं गिर गए पता नहीं चला, और यार रास्ते में बारिश हो रही थी तो मैंने रेनकोट पहन लिया भाई, रेनकोट पहना बारिश बंद हो गई। फिर बस वाले ने अलग जगह पे, मतलब स्टेशन के इस साइड छोड़ दिया था, तो मेरे को ताम्बरम से फिर चढ़ के उस साइड क्रॉस करना पड़ा स्टेशन को। भाई आज का सफ़र बहुत ही क्रेज़ी था। तो अभी बज चुके हैं रात के 11, तो मैं जल्दी से वीडियो एडिट करता हूँ फिर अपने भी सो जाते हैं भाई। यो और दोस्तों यहाँ कॉलेज पहुँचते ही ये कुत्ते मेरे पे भौंक रहे हैं यार। अरे भाई अपना। तो दोस्तों आज का सफ़र बहुत ही क्रेज़ी रहा, ये लास्ट में कुत्ते ने भी नहीं छोड़ा मुझे, ये भी भौंकने लग गया। तो चलो यार जल्दी से चलते कॉलेज, जाके आराम करेंगे। तो दोस्तों मैं अभी रूम पे आ चुका हूँ और हमारे दोनों भाई सो रहे हैं, तो हम भी सो जाते हैं।